याद रहे कि फेक एनकाउंटर्स रियासती नस्ल कुशी की देरीना मारो और पेंको पॉलिसी का याद रहे कि ना सिर्फ CTD बल्कि रियासती मशीनरी का हर दूसरा अदारा बलूच नस्ल कुशी के इस सिलसिले में बराबर की शरीदार है। ख्वा व रियासत के पैरामिलिट्री फोर्सेज हों या इस रियासत की अदलिया व ब्यूरोक्रेसी, जो ना सिर्फ इन कुव्वतों के सहूलतकार है बल्कि बलूच कौम पर इनके किए गए जराइम की पर्दापोशी में भी मुलव्वस है। अब्दुई बॉर्डर पे शहीद शोहेब बलूच का FC के कारिंदों के हाथों बेईमाना कत्ल बलूचिस्तान में जारी इंसान सोज वाकियों की अक्कासी करता है। जब शहीद शोहेब के खानदान ने इसके लाश को तुर्बत ला कर इस बलूच नस्ल कुशी की रोकथाम के तहरीक का हिस्सा बनना चाहा, तो शहर में कर्फ्यू नापिस किया गया। रास्ता रोक कर इन्हें ज़बरदस्ती मैयत की तदफीन पर मजबूर किया गया। और आज जब शहीद शोहेब के वर्सा FIR दर्ज करना चाहते हैं तो इन्हें कहा जाता है कि मेडिको लीगल सर्टिफिकेट के बगैर ये मुमकिन नहीं। जब इलाके में कर्फ्यू नापिस किया गया था तो लवाई के मेडिको लीगल रिपोर्ट कैसे बनवाते। मुहज़्ज़ज़ साफ़ी हज़रात, बलूचों के खून को रियासत ने सस्ता बना दिया है। जहाँ रियासत कत्ल करके फेंकने के बाद बलूचों को दफनाने का कह कर खामोश रहने की धमकी देता है, जहाँ रियासत के कारिंदे लोगों का कत्ल कर रहे हैं, बेगुनाह और मासूम अफराद को जबरी गुमशुदगी का निशाना बना रियासत के कारिंदों के खिलाफ एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। बालाच की रियासती हिरासत में दीगर लापता अपराध के साथ कत्ल और फिर एक मनगढ़ंत कहानी लिख कर देना के फेक इनकाउंटर में मारा गया है, सिर्फ एक झूठ नहीं बल्कि रियासत की बलूच नस्ल कुशी की पॉलिसी का अहम हिस्सा है। रियासत फैसला कर चुका है कि बलूचिस्तान में इनकी नाम नहाद सरमायादारी नुमा लूट मार को बचाने का वाहिद रास्ता बलूचों को सिफाई हस्ती से मिटाना है, जिसके लिए वह मुख्तलिफ अतकंडे और हरबे इस्तेमाल कर। अब हमारे खून को बेकीमत नहीं होना चाहिए, हमारे दर्द को मदवा होना चाहिए। शहीद बालाच व शहीद शोहेब के कातिलों को रियासत के अपने बनाए हुए जेलों में होना चाहिए और हमारे लापता अपराध को हमारे घरों में होना चाहिए। अब ये काबिल कबूल नहीं कि कातिल आज़ाद हों और मजलूम लापता हो। ये तहरीक बलूच नस्ल कुशी बंद करो हम सब के दर्द का मदवा है। इस तहरीक को हर बलूच की आवाज़ बनना है। ये तहरीक अब बढ़ता जाएगा, आज अमल बता चुके हैं और चंद दिनों में ये तहरीक मार्च की शक्ल में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से गुजरते हुए क्वेटा तक जाएगी। हम जल्द यहाँ से निकलने की तारीख और रेस्टिंग स्टेशन का ऐलान करेंगे। आप सबके भरपूर तावान का शुक्रिया। डॉक्टर सबिया इधर मौजूद हैं, वो मैं कमेटी सरबरा हैं, मास्टर हैं। उसी तरीके कार माँ मुख्तलिफ वजह को देखना दें तेरा टीम तश्ल दे हैं और बाजार अच्छे जैसे चीज़ें का या जा करना मुख्तलिफ शुरू से किस में धरना के इधर से जा रही हैं इधर समय खींचे जन मल्लू के समय रिस्पॉन्स छो गए खींचे मल्लू के रिस्पॉन्स कर रहे हैं या खींचे इसी के माँ रजिस्ट्रेशन है कि अमल शुरू हो मतलब मकारानी भले तंगी तरह मर्ची हुई बाबा माँ खानदान बर्दमान हम किसी को नामा कम अज़ कम रजिस्टर देखना वो लाजम भी आया गंडुआ चीर मदिया की हाँ बोल सकें शुमाओ का नामा गार करें ये गोल में भी बस रिस्पॉन्स शर ने मान चुका थे आर ऊँचा मैं लौट के रहा और ऊँचा उम्मीद थी मर भरेगा शाल में आई इकतदार ही आ गया इकतदार कराची इस्लामाबाद मस्तरी शहर बलूचिस्तान चंद दमक तरह तहरीक।
अच्छा आखिर सवाल इसमें कि माँ गंदे के दार रोचि के दा निंदाक बढ़ जाए मजा नहीं खर्चिया मर्दम भी पैदा कहाँ जाए प्राणाम करने का भले इत कीचे बाजी सियासी पार्टी के अस्ता है मरकजी कार्य लीडरशिप माँ नगंदी के दशा में धरना सर पैदा कहाँ या कि यकजेती करने के व्यवस्था या त्रान करने के व्यवस्था तो यह वाला शुमा है ना मखन कुथा का वत नहीं आगा माँ बल्कि दोस्तान रिक्वेस्ट कुछ अच्छी अवरी रोचा कि वत हम ब्याह है इसमें खातून हम ब्याह हैं ये बाबत जो हम जिन बाजी वत दुर से आ माँ चाहिए कि माँ इधा पंच पंच साल हुकूमती कुछ बूथ का माँ इधर ब्याह है मारा कि गपी बूछी हालांकि इधर खस्ता खस बात का गलत नहीं गप इस्तेमाल ना कुछ भले बाजी ने जहनी तंगी हम चाहिए कि दिन तरह गवर्नमेंट भेजा गए हमारे गवर्नमेंट दूर कर लगी है तो दिल कुछ को इस्लामाबाद आए माँ इधा ब्रेन ब्याह बूथ का कि आ चे मनारा जो आज कार सीटें तरह मस्कर थी बाकी इधा दोस्तों ने इजाजत थी वो बाजे मुझे ब्याह है कि हम तो मैं नजदीक आया पंच पंच मिनट राह आया तो लोग बाजे का भी हथे रहा कारकुनान वो जो हर चीज हंसता ये चुना है वो हर एक किए ताल्लुक या सियासी पार्टी या हंसते हैं कारकुनान तो का दर्द था मगर अपन लीडरशिप एक जैसे को आहाना कुर्सी आया कि बल्कि बुक का मुझे चांद मतलब भी कारकुनान से ज्यादा कहा या ग्रह मुख्य सियासी पार्टियां भी कारकुना हुआ अलहमदुल्ला आएगा यहाँ तो वह तकलीफ आऊँ दस तारीख का दुआ ऐलानी कुतेगा हमें बेगवाए मर्दों दोस्तों अपील कुतेगा तनावती शुमा आ रही है शिरकत करने दिया कि ना मुझे आ उस जगह हंसते दस तारीख का चूंकि इंसानी हक्कानी आलमी हो चाहे आयु वस्ता हक तहरीक का ऐलान कुछ बना है जलसे ये केज दो का ये प्रोग्राम हम उसके साथ साथ जारी है इशू वास्ता हम तीन तश्ल खुजा के चीचों मर्दों के आने शिका बाकी आई तैयारी हम भरपूर जारी है दस तारीख का इंसानी हक मैं कोशिश सुनाई थी कि गाड़ी बुक करना ठीक है या बसेज वगैरह का हमारा अगर आम या तरीके का है कि मुख्तलिफ स्टेशन दारान का नहीं और महमी के मोबिलाइजेशन भी मैं दारान करें सारी रोचा मैं इतला दें कि मतलब बांधा पंचकूल में मतलब ऐलान करने के बाद आती है पूछिए रोचा जैसे मैं सूराबा सर में सारी पेश की मतलब इतला दें हमें बड़ा पता स्टेशन सर स्टेशन मतलब जाने रियासत हमारे इदारा हस्ता मुतालिका हाँ मुतालिका इदारा कने पर वजीर आजम संगे वत नजा के मुतालिका इदारा जिंद के वजीर आजम सवाल जो कनक लापता अपराध हवाले तो सब मुतालिका इदारा जो कना अपारा का सबका।